आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन, जिसका मॉडल नंबर है AVR-X2200। ये वही पीस है जिसको हमने कुछ दिन पहले बनाया था। HDMI में नो साउंड का इशू था, इसको पहले हम ठीक से समझ लेते हैं। CD डायरेक्ट करो या स्टीरियो करो, उस पर आवाज़ परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। जब हम मल्टी चैनल करते हैं तो इसकी आवाज़ एकदम से दब जाती है, आप देख सकते हो। स्टीरियो पे आवाज आ जाती है और मल्टी चैनल पे आवाज। आगे हम इसको डायग्राम के हिसाब से भी समझाएंगे कि हमने क्या किया नहीं किया। फिलहाल हमने इसमें PCM IC चेंज किया है, PCM 19। देख सकते हो PCM 9211 ये IC है, इसको हमने चेंज किया है। पिछली बार HDMI में साउंड नहीं था, तब भी इसी को चेंज किया था। अभी एनालॉग में नहीं है, तब भी ये चेंज किया है। हम इसको आगे डायग्राम के हिसाब से आपको डिटेल समझाते हैं। अभी हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि इसके अंदर क्या इशू था और क्यों ऐसा हुआ, और वही IC चेंज करना पड़ा जो हमने पहले HDMI में नो साउंड की वजह से चेंज किया था। आप जैसा कि देख सकते हो, ये वो सिग्नल था, मैंने पहले भी चेक किया था IC चेंज करने से पहले और बाद में भी। एनालॉग टू डिजिटल इन लेफ्ट राइट, जो कि जाता है PCM 9211 DIR प्लस एनालॉग टू डिजिटल। ये यहाँ तक साउंड पहले भी था, बाद में भी आया, उसके बाद ये MUX, उसके बाद डिजिटल आउट, विन आउट पोर्ट, और फिर आता है ये आपका डाटा DIR-1, जो IC का पिन नंबर 17 है। मैं आगे आपको पूरे डायग्राम पे भी दिखाऊंगा, ये ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम पे के हिसाब से भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाता है और क्या काम करता है। उसके बाद ये जो सिग्नल है, आप देख सकते हो PLD IC को जाता है। PLD IC के थ्रू होते हुए फिर ये जाता है डिजिटल डेकोडर। IC का नंबर भी लिखा हुआ है SC49844A। उसके बाद HD RAM से थ्रू रिवर्स होते हुए भी फिर ये डाटा AF, डाटा AC। उसके बाद ये जाता है मेन जोन डेक PCM 1690, और फिर यहाँ से ये फिर आउट निकलता है। और फिर ये जाता है टू एनालॉग ऑडियो ब्लॉक। फिर हम इसके आगे जाते हैं, टू डिजिटल ऑडियो ब्लॉक, तो ये जो दो पिन है एनालॉग टू, जो इसके अंदर इन हो रहा है AD इन लेफ्ट राइट, और उसके बाद फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होके वहाँ से वापस रिटर्न आता है। और फिर ये कहाँ जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख लो अच्छे से, ये आता है आपका
वॉल्यूम आईसी BD34704KS2 इस सेक्शन पे जाता है। ये दो यहाँ से जाती है, ये जो है अपना, इसको देख लीजिए यहाँ पे एक बार, ये जो है इनपुट्स काम नहीं कर रहे थे। मीन्स कि ये जो थे स्टीरियो करने पे इसमें साउंड ओके होता था, और जब भी हम इसको प्रोलॉजिक या फिर मल्टी चैनल स्टीरियो करते थे तो उस पे आवाज़ बंद हो जाती थी। बंद मीन्स एकदम कम हो जाती थी, फुल वॉल्यूम करने पे थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था। तो आप ध्यान दें, ये चारों इनपुट्स में इशू था, और प्लस FM में भी HDMI वर्किंग गुड था, और ब्लूटूथ से भी कोई इशू नहीं था, इशू सिर्फ अपने एनालॉग इनपुट पे ही था। अभी हम बात कर लेते हैं हम कहाँ पर थे। हाँ, ये वहाँ से डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद आता है यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल सेक्शन में। वॉल्यूम कंट्रोल सेक्शन से फिर ये आगे, आगे चले जाता है स्पीकर आउट को। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर आउट को चले जाता है, नीचे जो मेन बोर्ड है। और ये वो IC है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है पिन नंबर 17 से जो है इसका डिजिटल आउट निकलता है, और ये IC को चेंज करना पड़ा मुझे।